top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. दो को लेके चुनावी मैदान देखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर तो जो हमारा मुद्दा है वो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखना, दूसरा प्रदेश स्तर में जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों ने विगत 30 वर्षों में जाति और धर्म की दीवारें खड़ी की हैं और परिवारवाद, भाई भतीजावाद और धन बल के आधार पर प्रत्याशियों को उतारना जनता के बीच में, उसके बाद उनका जनता के हितों की अनदेखी करना, ये अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में सरकार बनाना ज़रूरी हो गया। जो भ्रष्टाचार है और गुंडा राज यहाँ सड़कों पर देखने को नज़र आता है, उसकी समाप्ति के लिए एकमात्र विकल्प प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी। सुबह से हम भी आपके साथ गाँवों में घूम रहे हैं, आपके साथ ही दौरा रहा, बहुत से ऐसे गाँवों में आप गए हैं, हम भी आपके साथ गए हैं, जहाँ चलने का रास्ता नहीं है। पूर्व विधायक की बात की जाए तो क्या इस एरिया में कभी कोई काम? देखिए, जीतने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, मैं बता चुका हूँ लोगों को, इस क्षेत्र में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी, ग्रेटर नोएडा से मेट्रो को जेवर तक ले जाया जाएगा और जो विचाराधीन एयरपोर्ट का मुद्दा है उसे प्राथमिकता से यहाँ बनवाने का प्रयास किया जाएगा और जो किसानों के मुद्दे हैं 64% और ज़मीन अधिग्रहण में जिस तरीके से सरकार और नौकरशाहों ने लूट मचाई हुई है उस चीज़ को पारदर्शिता की तरफ ले जाया जाएगा। और सबसे जो अहम मुद्दा है इस ज़िले का वो है गुंडागर्दी। मैंने नज़र आया मुझे दमकौर ब्लॉक में कि वोटरों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उन पर बदमाशों द्वारा नाजायज दबाव बनाए जाते हैं, तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो सबसे पहले इस ज़िले में गुंडागर्दी के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा और गुंडों को सींचों के अंदर कराया जाएगा। मतलब कहा जाए कि जो ग्रेटर नोएडा हाईटेक सिटी बन चुका है, आने वाले समय में जो है जेवर विकासशील देशों में होगा या विकासशील विधानसभा के एरिया में होगा, जैसे ग्रेटर नोएडा विकास हुआ है जेवर में भी वही विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम वो सारी मूलभूत नागरिक सुविधाएँ इस क्षेत्र के लिए लाएँ और इसका विकास शहरों की तर्ज पर ही कराएं, क्योंकि आजकल जो किसान का बेटा है, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, वो खेती नहीं करना चाहता, तो ऐसे किसानों के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे कि जिससे किसान भी खेती से विमुख ना हो और नौजवानों को भी रोज़गार मिले, और जो सड़कों का जाल है, मेट्रो ट्रेन है, उद्योग धंधे हैं, इनके माध्यम से हम इस क्षेत्र को उन्नत बनाने का प्रयास करें।